तेलंगाना विधानसभा में शनिवार को अजब नजारा देखने को मिला। एक तरफ तमाम विधायक शपथ ले रहे थे, वहीं भाजपा के विधायक शपथ से दूर थे। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया और शपथ नहीं ली। हालांकि भाजपा ने इस बात का ऐलान शुक्रवार को ही कर दिया था, जब अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। शनिवार को तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन की ओर से नियुक्ति के बाद AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने पहले विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। इसके बाद अन्य विधायकों को शपथ दिलाई। अकबरुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख नेता हैं और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं। वह चंद्रयान गुट्टा से विधायक हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने चुनाव जीतने के बाद तेलंगाना विधानसभा में कार्रवाई संचालित करने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। उनकी नियुक्ति के बाद ही बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर विरोध व्यक्त किया था और ऐलानिया अंदाज में कहा था कि वह उनके सामने शपथ नहीं लेंगे। इसी ऐलान के तहत शनिवार को बीजेपी विधायकों ने शपथ नहीं ली। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जी किशन रेड्डी ने भी कहा कि AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, हम इसका विरोध करते हैं। वरिष्ठ विधायकों को छोड़कर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, ये नियमों और विधानसभा की परंपरा के खिलाफ है। हमारी पार्टी के विधायक नियमित स्पीकर के आने के बाद ही शपथ लेंगे। हम लोग अभी राज्यपाल के पास जाकर इसके खिलाफ ज्ञापन भी देंगे। साथ ही रेड्डी ने कहा कि हम AIMIM जैसी पार्टी के साथ कभी नहीं जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस ने ओवैसी को इस पद के लिए नामित किया क्योंकि उनकी AIMIM के साथ सांठगांठ है। हम मांग करते हैं कि ओवैसी को विधानसभा स्पीकर न चुना जाए। इसके बाद राज्य में भाजपा के जनाधार पर भी उन्होंने बात रखी। रेड्डी ने कहा कि हम राज्य में 8 सीटें जीत चुके हैं और हमें 14% वोट मिले हैं, ये अभूतपूर्व है। सुनिए जी किशन रेड्डी की बात। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना स्टेट ने तय किया है जो प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट जो अकबरुद्दीन को नियुक्त किया गया, हम उसको खिलाफ कर रहे, प्रोटेस्ट भी कर रहे, क्योंकि सीनियर एमएलए से उनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने मजलिस पार्टी का व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट करना, वो विधानसभा का जो नियम है, परंपरा है, ये परंपरा के खिलाफ। इस विवाद के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। दरअसल प्रोटेम स्पीकर शब्द प्रो टेम्पोर का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर कुछ समय के लिए विधानसभा की अध्यक्षता करता है। प्रोटेम स्पीकर वह व्यक्ति होता है जो विधानसभा के स्पीकर पद पर कुछ समय के लिए कार्य करता है। यह अस्थायी पद होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति गवर्नर करता है। आमतौर पर इसकी नियुक्ति तब तक के लिए होती है जब तक स्थायी विधानसभा अध्यक्ष न चुन लिया जाए। वहीं अकबरुद्दीन के विरोध की बात करें तो बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने अकबरुद्दीन को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर सीएम रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा था और कहा था कि मैं सीएम रेवंत रेड्डी से सवाल करता हूं, क्या आप बीआरएस की तरह काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने AIMIM को स्टीयरिंग दे दी, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वे तेलंगाना में रहते हैं और हिंदुओं को मारने की बात करते हैं, क्या हम ऐसे व्यक्ति के सामने शपथ ले पाएंगे। बता दें कि तेलंगाना विधानसभा में 119 सीटें हैं। 30 नवंबर के चुनाव में कांग्रेस ने 64 सीटें जीतकर बीआरएस से सत्ता छीन ली। इस बार तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी के भी 8 सदस्य हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।